दिखाऊंगा कैसे हम ब्लाउज में हम पैट लगाते हैं, वो टेक्निक दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जैसे कि वैरायटी टाइप ऑफ ब्लाउज में क्या क्या कौन सा साइज हम यूज करेंगे उसका पैट का, और साथ ही साथ क्यों यूज करेंगे, ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में होगा। और चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में फ्रेंड आप लोगों को ये पैडेट के बारे में, पैड लगाना यानी कि ये काब लगाने के बारे में जितना कन्फ्यूशन है मन में एकदम क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इसलिए सारे डिटेल्स में इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये जो चोली काट में मैं दिखा रहा हूँ, एट फर्स्ट मैं दिखा रहा हूँ चोली काट में। तो चोली काट में क्या है, हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये बाटी, दिस इज पॉटल और दिस इज एस पार्ट, और इस जगह में जो हमारा एलिप पार्ट रहेगा, इस जगह में हमारा एलिप पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हम बहुत अलग अलग तरीका से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है देखिए, ये देखिए हमारा इसके नीचे देने के लिए और एक पार्ट चाहिए। और एक फ्रेंड, और एक बात बता दूं फ्रेंड, मैं जिस कपड़े से आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें ऑब्वियसली इसमें यू हैव टू पुट लाइलिन, ठीक है। नीचे आपको आस्तीन देना है, उसके बाद पैड लगाने हैं, और वो अलग बात है। लाइलिन लगाने के बाद जो पार्ट इसी तरह तैयार होगा, तो उसके बाद ये देखिए एक ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यानी कि जिस जगह में हमारा जो क्रॉस पॉइंट होता, ये देखिए जिस जगह में क्रॉस पॉइंट यानी कि चोली काट में जो, ये देखिए इसी तरह जिस जगह में डार्ट देने के बाद जो क्रॉस पॉइंट आता है और इसका क्रॉस पॉइंट इधर, तो वो जगह से हम इसी तरह करते। ये देखिए कितना अच्छा फिटिंग से। और ये देखिए उसके बाद, ये देखिए इसे हमें ऐसे सीधा रखना है, और इसके बाद इसे ऐसे करके रखना है, और इसके बाद ये देखिए, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमें जुड़ना है इस जगह में, इसी तरह जुड़ना है। मैं बहुत अलग अलग तरीका आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए इसी तरह जुड़ना है, ठीक है। फिर तो आप एक एक करके टेक्निक आप सीख लीजिए, मैं पहले टेक्निक दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा, ये देखिए लगाना हो गया है, ठीक है। और यह से देखिए, ये जैसे ये देखिए ये अभी पका है और ये अंदर है, और जैसे कि इस पार्ट में मैंने नहीं लगाया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमारा, इस पॉइंट से रिलेटेड एक टाक देना है, अपना हैंड जो स्टिच होता है ना, यू हैव टू टाक योर हैंड स्टिचिंग, वो टेक्निक इधर एक मार्क इधर और इधर करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो एक अलग टेक्निक है, आप नहीं देना चाहते हैं तो भी आप रखिए, इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरा एक टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ, चलिए इससे पहले इसे कंप्लीट कर लो। और उसके बाद ये लगाने के बाद इस जगह में हमारा एलिट लगाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे हम एलिट लगाते उसी तरह लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए, तो इस पार्ट को आपको सिर्फ डबल चाहिए। और आपका इस पार्ट में अगर चांदनी ब्लाउज हो, कोई भी लाइलिंग वगैरह लगाना चाहते थे, पहले से आप लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर ये पार्ट आपको डबल लेना है। ये टेक्निक है,
चलिए अब मैं दूसरा टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड दूसरा दूसरा देखिए, इसी तरह चोली कट में तैयार करना है। अब मैं सभी पार्ट दिखाऊंगा, प्रिंसेस कट में भी टेक्निक दिखाऊंगा, एलिट कट, प्लेन कट, कटोरी सभी में फ्रेंड दिखा दूंगा आपको। कोई ऐसा नहीं लग रहा है, जो लोग अभी तक हमारा वीडियो देख रहा है तो मन में सोच रहे हैं चलो ये तो सभी चोली कट में ही दिखा रहे, ऐसा नहीं है, मैं सभी में दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने नीचे का पार्ट एक लाइनिंग ले लिया है और एलिट मैंने नहीं लगा रहा हूँ इस पार्ट में। उसके बाद ये देखिए, और इसे ऐसे छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद देखिए, और ये पैड लगाने के लिए आप लोग खामखा घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और ये पैड लगाने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने देखा है बहुत अलग अलग तरीके से लगाया जाए तो कोई फर्क नहीं है इसका, ठीक है। फर्क तो सिर्फ एक एक जगह में होता है फ्रेंड, जो ऊपर में हम डार्ट देते हैं वो टेक्निक। अगर इसमें चाहे तो हमें ऊपर में कोई डार्ट नहीं दिखेगा, तो इस पार्ट को आप और एक कपड़ा में पहले लगाइए, जैसे कि हम प्रिंसेस कट में जो टेक्निक दिखाएंगे वो टेक्निक इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे आगे फ्रेंड आपका अपना खुद का नॉलेज है, ठीक है। मैं तो जैसे दिखा रहा हूँ अपना हिसाब से, एक शायद 12 टेक्निक में दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो क्या है वो मिलाकर आपको खुद और एक टेक्निक बनाना है, ठीक है, वो हमेशा आप लोगों को करना है। ये देखिए, तो फ्रेंड ये देखिए दूसरा और एक टेक्निक है, इसके बाद हम इस जगह में हम इसे लगा देंगे। ये देखिए, ये एक और टेक्निक है ये, ठीक है। ये देखिए, और भी और एक टेक्निक है, जैसे कि इसमें से नंबर 3 टेक्निक है, वो क्या है, जैसे कि मैंने एलिट पर अलग लगाया, आप लोग चलिए मैं एक दिखा दूँ आप लोगों को। और ये देखिए फ्रेंड, तीसरा टेक्निक है फ्रेंड, ये इसी तरह सभी पार्ट को रखना है और इसके बाद एक पार्ट को इसी तरह देना है और दूसरी ऐसे करके देना है, ठीक है, ऐसे करके देना है। तो इसमें जैसे कि एक ये देखिए इसी तरह टेक्निक, और इस जगह में फिर से टाक देना पड़ता है, 1 2 3 4। अगर आप ऊपर में टाक नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस पार्ट में फ्रेंड आपको और एक पार्ट चाहिए, ठीक है, उसमें आपको स्टिच करना है। जब प्रिंसेस कट दिखाऊंगा तब आपको आसानी से पता चले ये और एक टेक्निक है। और इसके बाद हम चले जाएंगे, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं, इसी तरह चारों तरफ ये स्टिच होगा, बस ये एक पार्ट रेडी हो गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा था चलो नीचे से स्टिच करके कैसे दिखा दूँ, चलो वो टेक्निक हम दिखा दे। और एक टेक्निक में दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तो हमें एक एक साइड का ये तीनों पार्ट चाहिए, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट है तो ये ऐसा ही रहेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था इधर स्टिच करना है ये पैड को लगाने के लिए, तो मैं अलग दूसरा दिखा रहा हूँ। इसमें भी दो टेक्निक है, जैसे कि हम चलिए दिखाए, एक है फ्रेंड जैसे कि हम यहाँ पर स्टिच करके लगाते हैं, और दूसरा है फ्रेंड जैसे कि हम अपना जो किसी इसी तरह इसके ऊपर रख कर हम इसी तरह इधर 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 आपको एक स्टिच करना है, थोड़ा सा स्टिच करना है इस जगह में। तो देखिए कैसे कर रहा हो, और इसके लिए ये क्रॉस पॉइंट को, जैसे क्रॉस पॉइंट है तो उसी हिसाब से इस क्रॉस पॉइंट को रखना है।
दोनों पार्ट को इसी तरह क्लियर कर लेना है। और ये फ्रेंड ये टेक्निक चोली कट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आप ठीक ठाक करें तो ठीक ठाक होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ठीक ठाक करेंगी तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसी तरह स्टिच हो गया है, तो हमारा ये काफ और नहीं इधर उधर हटेगा ये। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे हमारा जो स्कार्फ है, आप चाहे तो स्कार्फ के से लेकर आप इसी तरह स्टिच कर दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ काफ लगाने का, मैं और भी कुछ टेक्निक आप लोगों को दिखा दूंगा, और ये सब आपको ठीक ठाक करना है। ठीक है, ये देखिए इसी तरह करके चारों तरफ के कपड़े पकड़ के आपको ठीक ठाक करना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा और इधर भी कपड़ा नहीं रहेगा। और कपड़ा को खींच के रखना है चारों तरफ। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और इसका लगाने भी मैं और भी टेक्निक दिखाऊंगा आपको। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा पैड लगाना हो गया है, और ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है, और नीचे से भी ये नहीं हिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, और फ्रेंड ये पार्ट लगाने से पहले आपको ये चारों तरफ का स्टिच कर लेना है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा फिनिशिंग खराब हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको मेन जो पार्ट है उसे दे दीजिए आप। ठीक है, ये देखिए इसे दे दीजिए, और उसके बाद इसी से आप स्टिच कर दीजिए। तो पूरा स्टिच करके मैं दिखा रहा हूँ फिर से। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा ये लगाना हो गया है। तो और ये देखिए ये टेक्निक से क्या हो रहा है फ्रेंड, ऊपर में कोई स्टिच नहीं दिख रहा है, मगर ये पैड ठीक ठाक बैठ गया है। ये देखिए मैंने इधर भी अगर ऐसे अगर पहनने के बाद ये ऐसा खींचा रहेगा, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये टेक्निक मैंने ओवरऑल किया है, मगर आप लोगों के अगर इसमें ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा तो चलिए आप छोड़ दीजिए, ये इस जगह में इस जगह के पार्ट छोड़ दीजिए। पहले जैसे मैंने इस जगह के बारे में सिर्फ इस जगह में तीनों पार्ट लेकर करिए आप, तब भी होगा, इस पार्ट में ऐसा रहेगा, कोई स्टिच नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं दिखाऊंगा प्रिंसेस कट में दिखाऊंगा, मैं स्टिच करना भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि नहीं तो फिर से रिक्वेस्ट आ जाएगा, चलो ये स्टिच करना दिखा दीजिए। तो पैड लगाना जैसे कि वो टेक्निक दिखा दिया चोली कट में, जिस तरीके से ये देखिए ऐसे ऐसे लगाने लगाने के बाद इसी तरह करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसे ऐसे पकड़ना है, जैसे कि हमारा जो क्रॉस पॉइंट है वही को पैड लगाना है उस जगह में। और उसके बाद ये देखिए इसी तरह करिए इस जगह में, मैं सिंपल सा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें बहुत ही टाक देना पड़ता है इस जगह में। तो ये देखिए ये पका हो गया है, और उसके बाद चलिए कपड़ा को सीधा करके इस तरफ करके और एक टाक इस जगह में देना है। और ये सब सीधा कैसे करना है देखिए, ये देखिए इसी तरह अपना पाँव के जो हाटू है हमारा उसके ऊपर रखना है इसे। ठीक, उसके ऊपर रखना है इसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इस जगह में जो आया है जो गैपिंग आया है उसे ऐसे, यानी कि ये नहीं हिलेगा, अब नहीं हिलेगा ये इस तरह से। जैसे देखिए इस तरीके से जो स्टिच कर रहा हूँ वहां से लेकर यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो दूसरा ऐसे भी कर सकते, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ और बाद में जो दूसरा है हम उसे अलग टेक्निक से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह करिए, और एक एक स्टिच को एक ही जगह में कटिंग करना है फ्रेंड। ठीक है,
कट कर देना है स्टिच को, धागे को कट करना है। इसी तरह से लॉक करना है। तो ये इसके बाद ये सब काट करना है, ठीक है। तो वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद दूसरा इस जगह को दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह पकड़ के और नीचे का कपड़ा अगर आप चाहे थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए मैं कैमरा को पास से दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ये देखिए। मैं इसी तरह आप लोग कर सकते हैं, मैं यानी कि पैड में एक स्टिच दे रहा हूँ और ऊपर में से ये घुमा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बाहर कर दिया है और उसके बाद घुमा के फिर से मैं इसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी टेक्निक से भी आप लोग इसी तरह बार बार करना है। इस जगह में ऐसे ऐसे करके बार बार करना है इसे। ये हो जाने के बाद इसे फिर से आप लॉक कर दीजिए इसे, ठीक है। लॉक करने के बाद इसे कट कर दीजिए, ठीक है। यू हैव टू कट दिस धागा एंड देन यू हैव टू मूव दिस प्लेस। ये देखिए उसके बाद इसी तरह करिए, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा चारों तरफ करके मैं फिर से दिखा रहा हूँ कैमरा में फ्रेंड। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 मैंने लगा लिया है और उसके बाद इस धागे को मैं कटिंग करके दे रहा हूँ। इसी तरह पैड लगाने के दो टेक्निक होता है, एक स्टिच करके और दूसरा इसी टाइप करके इसे करना है। और सीधे में देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और ये फ्रेंड मैंने अलग धागा से कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखे इस धागे को। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे स्टिच किया है और इसको ऐसे किया है, ठीक है। और ऊपर में ज़्यादा धागा दिख रहा है, तो मैं जब लोग आप लोग प्रोफेशनली करेंगे ऊपर में ज़्यादा धागा दिखना नहीं चाहिए जी, मैं थोड़ा सा दिखेगा आप लोगों को। मैं सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं प्रिंसेस कट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ पैड लगाने का नया तरीका दिखा रहा हूँ। तो चलिए पैड लगाने के लिए आपको मन में शायद इसे अभी तक जो लोग देख रहा है आपको पता चल ही गया है ये कितना इजी है। और मैं तय कर लिया है फ्रेंड इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आपको वो क्लियर कर दूंगा सारा, ठीक है। तो चलिए प्रिंसेस कट में आप वैरायटी टाइप ऑफ मैं टेक्निक दिखा रहा हूँ। देखिए और एक कन्फ्यूजन में आप लोगों को दूर कर दूँ, ताकि बहुत लोगों ने पैड लगाने के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम जब क्लास करा रहा था अपने घर में, तो उस वक्त भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं और फ़ोन पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक पैड से लेकर दूसरा पैड का गैपिंग कितना है। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो के अंदर ही मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। तो इसी तरह एक से गैपिंग कितना है तो मैं दूर कर दूँ। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर 1 इंच करो, यहाँ पर 3 इंच करो, यहाँ पर 4 इंच करो, तो इसका असली वजह ये नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो वो असली वजह है फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों को पता है जो पैड तैयार होता है उसका एक क्रॉस पॉइंट होता है, उसी हिसाब से होता है ये। मगर इसका इधर उधर का कोई लेंथ वगैरह ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है, इसका एक थिकनेस होता है, ठीक है। तो वो और ये देखिए हमारा ये एलिट कट ये ब्लाउज है ये, तो इसका जो एक इसका भी एक क्रॉस पॉइंट है, तो वो क्रॉस पॉइंट से हमें इसे बिठाना है, ठीक है। ये देखिए इसका जो क्रॉस पॉइंट है तो वो हिसाब से हमें इसके अंदर बिठाना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इस जगह में इसका जो क्रॉस पॉइंट आएगा उस जगह में हमें बिठाना है इसका मिडिल, ठीक है फ्रेंड। तो ऊपर में जितना आएगा, नीचे में जितना, लेफ्ट में, राइट में, सभी में एक ही आएगा, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं फ्रेंड, ताकि आप लोगों को पता चले, ये देखिए हमारा जो मिडिल का जो गैपिंग है, तो मैं अपना टेप से दिखा रहा हूँ कितना आता है। ये देखिए हमारा 1/2 इंच इसमें आ रहा है,
ठीक है। और चलिए हम ठीक ठाक बिठा लो इसे, जैसा मिडिल दिखते हैं क्या आता है इसका नीचे में से गैपिंग, ये सभी को सब ठीक ठाक रखना है। और ये हुक वगैरह ये करने के बाद इधर इधर इधर, चलो ये सभी ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप देखा जाए इसका जो गैपिंग आता है 3 इंच आता है, ठीक है, कभी कभी 2 इंच आता है। तो 2 इंच कब आएगा फ्रेंड, जब जिनका बॉडी बहुत ही छोटा है, यानी कि अगर 30 साइज का हो, 36 साइज, 38 साइज का, उन लोगों को ये पास आता है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर फिगर, यानी कि कस्टमर फिगर जैसा है वैसा ही इसे इस जगह का गैपिंग आता है। और हमें तो पॉइंट करना है ये क्रॉस पॉइंट, तो नेचुरली जो रिमेनिंग रहेगा वो इसे गैपिंग, कभी इधर होगा कभी इधर होगा कभी इधर होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका लॉजिक ये है कि क्यों हम इसमें 2 इंच ले, ऐसा नहीं है हम 2 इंच ले, तो हम जब भी सभी के लिए 2 इंच लेंगे वो क्रॉस पॉइंट इधर उधर हिल जाएगा, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका असली वजह ये है फ्रेंड। ठीक है, और एक बात बता दूं इसी के साथ, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं जे फ्रेंड इसको अगर 32 साइज हो, अगर पैड में 32 है, तो हमें कि वो साइज वही उसमें लगाना है, नहीं दूसरा साइज लगाना है, कैसे समझे जे कौन सा साइज में कौन सा पैड लगाए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलो मैं इसका आंसर भी दे दूँ। तो इसका आंसर है फ्रेंड, जैसे कि हमें हमेशा फॉलो करना है हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट का जो गैपिंग होता है, ठीक है, उसी हिसाब से करना है। और जैसे कि 32 साइज मतलब 36 हाई बस्ट है और नॉर्मल बस्ट फ्रेंड 2 इंच, और थोड़ा सा बड़ा अगर 3 इंच होता है तो 39 होता है। अगर 40 के ऊपर हो जाए तो आप एक साइज बड़ा ले लो, ठीक है, एक साइज बड़ा लेने से काम हो जाएगा, ताकि 32 अगर हो तो 34 का पैड लगाना है। ठीक है, दुकान में जैसा मिलेगा सभी में एक ही साइज मिलता है, ये कोई इधर उधर नहीं होगा, और छोटा पहनने से ये शेप में खराबी आ जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है हमेशा, आपको यू हैव टू फॉलो हाई वस्ट और नॉर्मल वस्ट बिटवीन गैपिंग। ठीक है, तो उसका गैपिंग अगर 3-4 से भी ज़्यादा, यानी कि लगे नॉर्मल वस्ट बड़ा है, तो इसका सिंपल लॉजिक है आपका वो साइज ऊपर करना है। 32 अगर दे तो 32 का बस, नॉर्मली हम क्या करते हैं फ्रेंड, 32 में 32 ही लगाते हैं रेडीमेड में, मगर ऑर्डरी काम करने के लिए आपको हमेशा 32 साइज में 34 आप लगाए, अगर लगे तो नॉर्मल बस ठीक ठाक, तो थोड़ा सा लग रहा है बड़ा, तो आप 34 यूज़ करें हमेशा, 30 यानी कि एक साइज ऊपर आप यूज़ करें, हमेशा एक साइज ऊपर यूज़ करें, अदरवाइज आप लगे चलो इससे भी हमें नॉर्मल बस बड़ा लग रही है, यानी कि 5 इंच से भी ज़्यादा है, तो 32 है मगर 5 इंच से भी ज़्यादा गैपिंग है, तो चलो हम 36 का यूज़ कर दो, तो वो क्या, वो कैसे और क्या। तो जैसे कि हमें पता है नॉर्मल बस 36 32 साइज का, तो फ्रेंड मैं बता दूं, मैं 32 एक ही साइज से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, और अगर दूसरा साइज में करना है तो आपको कन्वर्ट कर लेना है। मैं 32 का 36 बता रहा हूँ, 34 का आप लोग 38 आपका हाई वास्ट है, तो उसी हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, मैं एक ही साइज का बता रहा हूँ। अगर जो हमारा हाई वास्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसी हिसाब से आपको ये पैड चुनना है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, अगर 32 साइज हो उसका हाई वास्ट 36 हो और नॉर्मल वास्ट दिखा जाए 40 से भी ऊपर, यानी कि 42 होता है, तो उस वक्त नेचुरली हम 32 नहीं चलेगा, 34 नहीं चलेगा, 36, तो हमें पता करना है 36 में हमारा हाई वास्ट कितना आता है। तो हाई वास्ट 40 आता है और नॉर्मल वास्ट उससे भी बड़ा आता है, तो पैड ये पैड हमेशा इतना पास से काम करता है। ठीक है, तो ये जैसे कि इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करने का जगह है फिर, आप खुद ही सोच लीजिए, जैसे कि कुछ बातें ऐसा होता है जैसे कि आपको खुद ही एक्सपेरिमेंट करके वो नॉलेज लेना है। मैं हमारे पास तो वो एक्सपेरिमेंट किया है वो नॉलेज है, मगर आप लोगों को पास कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए चाहता हूँ आप लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करिए इसके बारे में, और जो जो टिप्स आप लोगों को चाहिए मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ प्रिंसेस कट में पैड हम कैसे लगाऊँ।
ये आप लोग देख ही रहे, ये कटोरी है ठीक है। तो कटोरी में कैसे लगाना है, तो कटोरी में फ्रेंड इस जो पार्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही आप लोगों को छोटी कट में तरह तरह का टेक्निक दिखाया फ्रेंड, इसलिए दिखाया है आप जाके आप लोगों को काम आ रहा है। ये देखिए मैंने चोली में जितना स्टाइल दिखा रहा है, तो ये देखिए ये वैसा ही है, मगर कटोरी वो एक ही है। आप सिर्फ इसको करना है, इस पार्ट को डबल लेना है। अगर आपको लाइनिंग लगाना लगाना होता है तो पहले से लाइनिंग लीजिए, लाइनिंग लगाइए इस पार्ट में, उसके बाद आप दूसरा दो पार्ट लीजिए, जैसे हमने दिखा है उसी हिसाब से इस जगह में लगाना है। और वो किस टाइप से लगाना है, मैंने पहले दो टेक्निक दिखाया, एक खुला छोड़ के हैंड स्टिच से, एक मशीन से, और दूसरा और एक टेक्निक में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल। और वो स्टाइल आपको सभी में यूज़ करना है ठीक है, इसमें यूज़ करना है। और ये देखिए जैसे कि ये प्रिंसेस कट है ठीक है फ्रेंड, तो देखिए प्रिंसेस कट में फ्रेंड ये देखिए इसी तरह यूज़ करना है। तो ये हमारा जिस जगह में क्रॉस पॉइंट रहेगा उस जगह में यूज़ करना है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये देखिए हमारा ऐसे देते हैं, ऐसे यानी कि हमारा क्रॉस पॉइंट इधर है तो ये इधर है, तो ये अकॉर्डिंग टू अपना खुद का जो शेप होता है, अब खास से ये पॉइंट लिया है तो उसी हिसाब से ये सब ठीक ठाक करना होता है ठीक है। अदरवाइज वो लगाने का जो टेक्निक है वो एक ही होता है, दो टेक्निक होता है, मैंने जो चोली कट में दिखा दिया वो एक ही होता है। तो चलिए मैं प्रिंसेस कट में मैं मशीन में दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो और एक बात बता दूँ मैं नीचे से, जैसे कि सिंगल एलिट कट में बताया और प्लेन कट में भी फ्रेंड एक ही टेक्निक होता है, जैसे कि ये फुल पार्ट को डबल कटिंग करना है, और जब नीचे वाला जो पार्ट में होता है तो उसमें ये पैड को लगाना पड़ता है अलग सा, और नहीं तो स्टिच करके लगाए। सिंपल सा सब टेक्निक है, जैसे कि ये इसमें अगर दो पार्ट से इसमें पहले से लगा लिया है तो ऊपर में ऐसे ही रखने से ही ये ऊपर स्टिच नहीं देना पड़ेगा, और अपने दो पार्ट में करना है तो ऊपर में स्टिच देकर इसे फिक्स करना है, और नहीं तो आपको वो टेक्निक यूज़ करना है जैसे मैंने चोली कट में दो टेक्निक यूज़ किए, आपको जो ठीक लगा वही से करें। और मैं तो सिंपल एक पिंसेस कट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो कटोरी में मैंने दिखा दिया, एलिट कट में दिखा दिया, प्लेन कट के बारे में मैंने बता दिया है, एक ही बात है, एलिट कट दिखाने से कोई वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं इस टाइप का ब्लाउज में कैसे हम फिटिंग्स करते हैं वो मैं दिखा दूँ ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे कि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसमें पैड लगाना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक अलग टेक्निक से दिखा रहा हूँ। पहले जो जो टेक्निक दिखा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने दोनों पार्ट दिया है, एक पार्ट में दिखा रहा हूँ, और ये हमारा ऊपर का पार्ट है ठीक है। तो इसे मैंने चलिए मेंशन कर दूँ, ये हमारा ऊपर का पार्ट है, इसे हम हटा देते हैं, और ये हमारा नीचे का पार्ट है ठीक है। और ये देखिए हमारा उल्टा स्टिच, और ये जो पैट को ये उल्टा ये सीधा इसी तरह रखना है ठीक है, और ऐसे ही नहीं बिठाना फ्रेंड। तो यहाँ से अगर आपका जो क्रॉस लेंथ है जो जितना है वही आप लीजिए, इस तरीका से अगर 10 हो तो उसे मार्क कीजिए इसी तरह ठीक है। और उसके बाद जो ब्रेथ है वही हिसाब से लीजिए, जैसे कि इसमें 4 रखा है, 4 ठीक ठाक है, तो उसके बाद इसे ऐसे करना है। और आपको जैसे कि ये उल्टा साइड हमारा काम नहीं आएगा, हम तो इस तरफ लगाएंगे, यानी कि हमारा निशान इस तरफ है ठीक है। तो हम इस तरह स्टिच करेंगे, मगर इसी तरह पैट को सेटअप कर लेंगे ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे, ये हमारा जैसा है मिडिल, और ये हमारा मिडिल ठीक है। वो देने के बाद इसी तरह इसे उल्टाना है ठीक है, और इसी तरह इसे मिडिल मार्क करना है ठीक है। देखिए किस तरीका से कर रहा हूँ, और उसके बाद देखिए फ्रेंड बहुत ही क्लियर कट, और इसका लॉजिक भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक ही साथ। तो कपड़ा को फ्रेंड बहुत ही यानी कोई रिंकल ना आए इसमें, इसी तरह क्लियरली आपको स्टिच करना है ठीक है, क्लियरली करना है एकदम बिल्कुल क्लियर।
और मैं दूसरा, क्योंकि हम इससे रफ आप लोगों को दिखा रहा है इसलिए स्टिच आप लोगों को दिखे, तो इसलिए मैंने एक अलग कलर का धागा से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए इसी तरह जब हम इसे करते हैं, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। कपड़ा को इसी तरह शॉर्ट करना होगा, एकदम पास से देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ये लगाना हो गया हमारा। और ये देखिए जैसे कि इस तरफ का ये ऐसा दिखता है। और फ्रेंड एक बात बता दो, आप लोग कभी इस तरफ से नहीं लगाना उसे, ठीक है। इस तरफ से आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से आप लगा सकते हो, मगर उसमें वो ठीक ठाक नहीं होता। जैसा मैंने लगाया आप उसी हिसाब से लगाए, ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट हमारा अंदर चले जाएगा, और इसके बाद ये देखिए इस टेक्निक से क्या होगा, ऊपर में कोई हमारा स्टिच देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीका से है उसी जगह में वो फिट रहेगा, ठीक है। और जो जो टेक्निक है जो मैं चोली कट में दिखाया वो टेक्निक इस जगह में यूज़ कर सकती है। चलिए इसमें आप खुला छोड़ दीजिए, अगर आप इस तरह लगाना नहीं चाहते इसे ऐसे ही रख दीजिए, हैंड में लगाइए तो छोड़ दीजिए वो टेक्निक। इसी तरह दोनों पार्ट आप लगा दीजिए, ठीक है। आप जो चाहे टेक्निक से आप कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इजी टेक्निक दिखा दिया और पैट के बारे में फ्रेंड सब कुछ बता दिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हम स्टिच करते हैं तो उसी तरह स्टिच करके दिखा रहा हूँ चारों तरफ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा पैड लगाना हो गया है, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग इसमें आ रहा है, ठीक है। देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड अब इसी के साथ जिन लोगों का जो कन्फ्यूजन है पैड लगाने के लिए वो शायद आपको दूर हो गया, और मन में जो जो क्वेश्चन था वो सभी इसके जरिए वो सॉल्व हो गया है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड, हमारा एक दूसरा चैनल भी है जो लाइव माइंड गेम है। हमारा जितना व्यूअर से और आप लोगों की आशीर्वाद से हमारा चैनल इसी तरह सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहा है, तो इसी तरह फ्रेंड उस चैनल में भी आप लोग जाइए, उस चैनल में भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, घर में बैठकर ही मिलेगा, घर पर बैठकर ही, और सभी कुछ फ्री रखा है मैंने। और इसी तरह आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते जाए। और आज के लिए और कुछ भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड, बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।